हेलो नमस्कार फ्रेंड, देखिए आज की वीडियो में हम आपको समरसेबुल स्टार्टर जो होता है उस स्टार्टर को हम आपको रिपेयर कर बताएंगे। तो देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब इसमें हम स्टार्टर में लाइन देते हैं तो ये ऑन नहीं हो रहा है, तो ये किस कारण से ऑन नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें लाइन दे दिए और लाइन देने के बाद देखिए इसका MCB जो है ऊपर की ओर की है, ऑन हो गया MCB। अब देखिए यहाँ से इसका जो वोल्टेज जो बताता है इसका पॉज बटन वह देखिए दबाएँ, यहाँ पर इसका कोई रिप्लाई आपको मीटर पर शो नहीं कर रहा, इंडिकेटर भी नहीं चल रहा है और कोई भी बटन भी स्टार्ट और स्टॉप को भी बटन काम नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है कि लाइन तो दिए हुए हैं, अब इसका हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास तो मल्टीमीटर है, तो मल्टीमीटर से आपको हम टेस्ट कर दिखा रहे हैं। यदि आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो हम आपको घरेलू नुस्खा ही बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको हम मीटर से चेक कर देते हैं। और मीटर से चेक करके हम सबसे पहले 220 वोल्ट की जो AC होता है वो, तो देखिए यहाँ पे हम AC के रेंज में मल्टीमीटर को सेट कर दिए हैं और यहाँ पर से हम वोल्टेज को नाप लेते हैं। तो यहाँ पे 220 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर पहुँच रही कि नहीं, देखिए यहाँ पे 211 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर आ रहा। तो चलिए देखिए यहाँ से होकर आपको MCV पर जाता है, तो MCV पर देखिए वोल्टेज मिलता है कि नहीं, ये भी आपको हम टेस्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर MCV वोल्टेज, MCV को इनपुट वोल्टेज यहाँ पे 200 मिल रहा है। तो देखिए यहाँ से एक तरफ से जिसी दिए तो यहाँ से जिसी MCV को ऑन करेंगे तो आगे से इसका आउटपुट फेंक देगा, देखिए यहाँ पे ये आउट नहीं कर रहा है। तो यहाँ इन जब कर रहा है यहाँ से आउट नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले तो इसको हम MCV को चेंज करेंगे। तो हमारे पास तो MCV है तो हम नया लगा कर देख लेंगे, लेकिन यदि आप घर पर इसको चेक कर रहे हैं तो आप इसके चेंज करने के जगह पर आप इसको शॉर्ट कर देख सकते हैं। यदि MCV ख़राब रहेगा तो शॉर्ट करने के बाद इसमें लाइन चल जाएगा ऑलरेडी, देखिए जहाँ पे हम स्क्रू को यहाँ पर खोल रहे हैं वो दोनों जगह पे आप एक तार लेकर सटा सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे यदि तार नहीं सटा सकते हैं तो दोनों टर्मिनल को खोल लेंगे और ये जो रेड और जो ग्रीन वायर है जो बचा उसको आपस में एक साथ जोड़ देंगे। तो देखिए आपको हम यहाँ पे चेंज नहीं करके सबसे पहले आपको हम ये दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद आपको हम ये भी दिखाते हैं कि चला कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे यहाँ से पता चल जाएगा, देखिए यहाँ पे हम दे दिए हैं। अब इसमें हम लाइन को इन करेंगे और लाइन को इन करने के बाद चलिए देखते हैं ये मेरा जो स्टार्टर है ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो सकता है कि MCV ही ख़राब के वजह से आगे लाइन नहीं पहुँच पा रहा हो, तो यहाँ पे हम MCV भी आपको चेंज करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम दोनों को शॉर्ट कर दिए हैं और शॉर्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे हम लाइन दे दिए, देखिए 220 वोल्ट बटा रहा। देखिए यहाँ पे हम ऑन हरा बटन को ऑन दबाते हैं, देखिए यहाँ पे इंडिकेटर भी शो कर गया, मतलब कि ये स्टार्टर बिल्कुल ओके हो गया है। तो चलिए आपको हम यहाँ पे ऑन तो कर दिए हैं, लेकिन ये तो ऑन हो गया, ये आपको बिना MCV लगाए हुए चल गया, लेकिन यहाँ पे MCV को बदल लेना है। यदि आपके पास MCV नहीं है तो आप तत्काल में इसको यूज कर सकते हैं दोनों तार को शॉर्ट कर, लेकिन आपको एक दिन, दो दिन के, चार दिन के बाद आपको MCV लगा लेना है, क्योंकि MCV को लगाने से आपको ये स्टार्टर जो है बहुत सेफ रहेगा और स्टार्टर के साथ साथ मोटर भी सेफ रहेगा। तो चलिए देखिए इसका सबसे पहले प्राइमरी वायर यहाँ पर हम लगा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्मिनल में इसको जोड़ रहे हैं, यहाँ इसको स्क्रू ड्राइवर से होल्ड टाइट कर लिए। और अब देखिए यहाँ पे जो आउट होता है, आउट यहाँ ग्रीन वायर से दिया गया है, तो यहाँ पे इसे भी हम स्क्रू ड्राइवर से यहाँ पर फुल टाइट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे आउटपुट वायर को भी हम फुल टाइट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे MCV को हम लगा लिए, अब MCV लगाने के बाद अब देखते हैं कि मेरा ये जो स्टार्टर है मेरा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए इसको सेटिंग कर लेते हैं, सेटिंग करने के बाद इसको एक बार चेक कर लेंगे कि मेरा वर्क किया कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे इसमें सबसे पहले ये यहाँ पे मेन कोड हम इसमें डाल रहे हैं और यहाँ पे MCV उठा लिए, यहाँ से देखिए आपको वोल्टेज टेस्ट कर दिए, देखिए वोल्टेज सही है। अब यहाँ से देखिए ऑन बटन दबाएँ, ये बिल्कुल ओके हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यदि चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर।